हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में सीखने वाले हैं कंपाउंड जनरल एंट्री के बारे में, कि कंपाउंड जनरल एंट्री कैसे पास की जाती है और क्या इसका रूल है। तो चलिए इसको एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए, आज का हमारा जो क्वेश्चन है, पहला वह देखो, पेड सैलरी रुपीज 500। देखो, हम सैलरी के लिए भुगतान कितना कर रहे हैं? 500। और रेंट फॉर जुलाई रुपीज कितना? 900। एंड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस रुपीज 400। मतलब जो टोटल हम भुगतान कर रहे हैं वो हम सैलरी के लिए कर रहे हैं 500, रेंट के लिए कर रहे हैं, रेंट और किराया के लिए कर रहे हैं 900, और प्रचार कराने के लिए, विज्ञापन कराने के लिए कर रहे हैं 400। मतलब तीनों ही खर्चा है, सैलरी भी खर्चा है, रेंट भी खर्चा है और एडवर्टाइजमेंट भी हमारा खर्चा है। इसीलिए यहाँ पे पहले तो एक सैलरी का अकाउंट बनेगा, एक रेंट का अकाउंट नाइस बनेगा और एक एडवर्टाइजमेंट का अकाउंट बनेगा। की बात है, ठीक गुड है, कैसे नाइट की बनेगा, क्या है लर्निंग। रूल, इसको समझिए। तो समझ पहले इसको के सॉल्व कैसे करोगे? ये बोला मत हेलो करो, आराम से पढ़ो। वंजीव, क्या क्या बनाओगे? सैलरी के अकाउंट। आप बताओ सैलरी कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। एक क्या बनाओगे? रेंट का अकाउंट। रेंट क्या है? नॉमिनल। और एक एडवर्टाइजमेंट का बनाओगे, वह क्या है? नॉमिनल। तो ये नॉमिनल है, ये भी डेबिट हो जाएगा क्योंकि खर्चा है, ये भी डेबिट हो जाएगा क्योंकि ये खर्चा है, और ये भी डेबिट हो जाएगा, ये भी खर्चा है। तो टोटल खर्चा कितना किया? 1800। ठीक है, इसीलिए कहीं बाई चेक तो लिखा नहीं है, तो कैश हम पेमेंट किए होंगे, एक कैश का अकाउंट बनेगा। और कैश कौन सा अकाउंट है? रियल है, और कैश व्यापार से जा रहा है, इसीलिए कर देंगे क्रेडिट। क्रेडिट कितने से करेंगे? 1800 से, जितना है। ठीक है, और डेबिट जितना, यह अमाउंट है, यह अमाउंट है, यह अमाउंट है, लिख देंगे। कितना? सैलरी के लिए 500, रेंट के लिए 900, और एडवर्टाइजिंग के लिए 400। बनाए सभी लोग, किसका किसका सही ईमानदारी साथ उठा है? अच्छा, तो सबका सही हो गया। ठीक, अच्छा, अभी हम फिर से दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, देख रहे हैं किसका किसका सही हो रहा है। तो यह पहला है, उसके बाद सेकेंड है, विड्रॉ हो रहा है कैश फॉर पर्सनल यूज रुपीज 3000। आप बताओ, कैश विड्रॉ हो रहा है, वो भी किसके लिए हो रहा है? पर्सनल यूज के लिए। मतलब पर्सनल यूज कौन करेगा? व्यापार का मालिक करेगा। और जब पर्सनल यूज आ जाएगा तो क्या अकाउंट बनेगा? ड्रॉइंग का अकाउंट बनेगा। और ये कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। और क्या बनेगा? कैश बनेगा। और कैश क्या है? रियल। तो ये पाने वाले हैं, इसीलिए डेबिट, और कैश व्यापार से जा रहा है, इसीलिए क्रेडिट। सही है, चलिए ठीक। अच्छा, दुगो सही हो गया। चलो, खड़े हो अंश, अंश खड़े हो, आया है? नहीं आया है। चलो गोविंदा, खड़े हो बाबू, बस आप तुम बता दो इसका आंसर क्या बनाए हो, छठवें नंबर का। कैश 11,000, डेबिट जी किया है दस जी हजार जी डेबिट किया है, डिस्काउंट जी किया है एक लाख, अच्छा, बैठ जाइए। नेक्स्ट क्या बनाया बाबू? हम अभी चेक कर ले रहे हैं, गलत है सही है। ड्राइवर का 11,000 डेबिट अच्छा, बैठ जाओ।
अमान भी जमा हो गया बाबू, क्यों आज होगा तो बोले तो ना लेके आएंगे। चलो बताओ बाबू क्या आंसर होगा। बने भी नहीं किए हैं, क्या है टाइम नहीं था कि समझ में नहीं आया था। अच्छा टाइम दोगे तो समय आएगा। बैठो चलो तुम लोग चारों बताओ क्या बनाए हो जी। सर अरे यार भाई छो या पूछ रहे हैं हम छुआ नंबर का। हाँ बोलो एक बार और एक एक करे बोलो। मीना क्या बनाई हो। और नेक्स्ट अच्छा ठीक नेक्स्ट उससे अली बनाई है। चलो नेक्स्ट ठीक है हो गया समझ गया। पल्लवी नेक्स्ट कुसुम क्यों नहीं आई तू। नेक्स्ट सैयद चलिए बैठिए। नेक्स्ट चलिए बैठिए। नेक्स्ट बैठ जाइए चल बैठ जाइए। नेक्स्ट टाइम नहीं बनाई क्यों टाइम नहीं मिला। कितना काम कर रही थी कि टाइम नहीं मिला। चलो ध्यान दीजिए लगभग 5-6 लोग का सही है और लोग का गलत है। हम किसका सही है किसका गलत है ये समझ जाएंगे। हम तो समझ गए तुम लोग भी समझ जाओ। देखो छठवें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पेमेंट मेड टू राघव। ठीक है हम राघव को भुगतान कर रहे हैं। राघव हमको भुगतान नहीं कर रहे हैं ध्यान देना। पेमेंट किया जा रहा है किसको राघव को। 5 रुपीज कितना 10,000 एंड डिस्काउंट इसी 5 रुपीज कितना 1,000। मतलब इससे ये पता चल रहा है कि 10,000 दिए और 1,000 डिस्काउंट मिला। मतलब देना कितना था राघव को 11,000। इसीलिए एक राघव का अकाउंट बनेगा और यह पर्सनल अकाउंट है और चेक तो कहीं लिखा नहीं है कैश ही दिए होंगे इसीलिए कैश का अकाउंट बनेगा। और डिस्काउंट मिल रहा है तो डिस्काउंट रिसीव का अकाउंट बनेगा। डिस्काउंट रिसीव क्या है नॉमिनल अकाउंट। कैश क्या है रियल अकाउंट। राघव क्या है पर्सनल अकाउंट। तो राघव को पेमेंट कर रहे हैं तो राघव पाने वाले हैं इसीलिए डेबिट कर दें। कैश व्यापार से जा रहा पेमेंट कर रहे हैं इसीलिए क्रेडिट कर देंगे। और डिस्काउंट रिसीव इनकम है इसीलिए इसको भी क्रेडिट कर देंगे। कितने से 1,000 से इसको क्रेडिट करेंगे 10,000 से इसको क्रेडिट करेंगे और 11,000 से इसको डेबिट करेंगे। तो आंसर होगा राघव अकाउंट डेबिट टू 11,000 टू कैश अकाउंट 10,000 टू डिस्काउंट रिसीव 1,000। तीन लोग का सही था। हो गया जी नहीं जी ठीक है तो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट अगला है। देखो का क्या कहा जा रहा है कैश रिसीव हो रहा है रुपीज 20,000 फ्रॉम किससे
एंड डिस्काउंट अलाउ हो रहा है कितना 2000, मतलब कैश जो रिसीव हो रहा है वो 20,000 और डिस्काउंट अलाउ कर दे रहे हैं कितना 2000, किससे? मोहन से। एक तो मोहन का अकाउंट बनेगा और एक कैश का अकाउंट बनेगा और एक डिस्काउंट अलाउ का अकाउंट बनेगा। अलाउ लिखेंगे। अब मोहन क्या है? पर्सनल अकाउंट। अब कैश रिसीव हो रहा मेरे व्यापार को हो रहा, मतलब मोहन देने वाले, और इसीलिए मोहन देने वाले तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। कितने से करेंगे अभी डिसाइड करेंगे। अब कैश, कैश रिसीव हो रहा है मतलब व्यापार में कैश आ रहा है कितना रुपया 20,000, और इसीलिए आ रहा है तो डेबिट कर देंगे कितने से 20,000। और डिस्काउंट अलाउ हो रहा है मतलब हम पैसा लेने के लिए कुछ खर्चा भी कर दिए डिस्काउंट अलाउ के तौर पे, और इसीलिए एक्सपेंस को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे कितने से 2000। इसीलिए मोहन क्रेडिट, मोहन को कितना देना था पैसा 22,000। समाया क्या रहेगा? मोहन अकाउंट डेबिट 22,000 नहीं, हाँ यहाँ पर रहेगा कैश अकाउंट डेबिट 20,000, ठीक है, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट 2000 टू मोहन अकाउंट 22,000 हो जाएगा। बोलो उल्टा बनाया तुम लोग, इतना ही दिए थे ना, इसके अलावा नहीं। चलो इसके अलावा आपको देखिए, यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन में पहले दिन पढ़ाया था, ठीक है, ऐसे में ही क्वेश्चन था लग रहा है। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन फॉर रुपीज 1,00,000, साफ साफ कह दिया जा रहा है कि मोहन से माल खरीद रहे कितने रुपए का 1,00,000 रुपए का, फॉर कैश 80,000 एंड ऑन क्रेडिट ऑफ रुपीज 20,000, बोला 1,00,000 का जो माल हमने खरीदा नगद खरीदा 80,000 का, उधार खरीदा 20,000 का, तो सिंपल है, जब परचेज किया तो परचेज के अकाउंट बनेगा। बोलो हमारा ना, उसके बाद से क्या बनेगा? कैश का बनेगा और उधार है तो मोहन का भी बनेगा। परचेज क्या है? नॉमिनल है खर्चा, इसीलिए इसको डेबिट करेंगे। कैश व्यापार से जाएगा, रियल है इसीलिए क्रेडिट करेंगे, और मोहन पाने वाले देने वाले हैं, ठीक है, पर्सनल का रूल, इसीलिए इनको भी क्रेडिट करेंगे कितने से। तो हमने टोटल परचेज किया 1,00,000, 1,00,000 से इसको डेबिट कर देंगे, कैश को क्रेडिट कर देंगे 80,000 से, और मोहन को क्रेडिट कर देंगे 20,000 से। बस बनेगा क्या? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 80,000 टू मोहन अकाउंट 20,000। बोलो कहां समय नहीं आ रहा है? सेम उसी के जैसे भी गलती, मैक्सिमम लोग गलती की है, एक ही लड़का जो पहली बार दिखाया और सही बनाया है। चलो क्या कहा जा रहा है? सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 50,000, ठीक है, टू आर के ट्रेडर्स, बोला टोटल हम लोग जो माल बेच रहे कितने का बेच रहे हैं 50,000 का, किसको? आर के ट्रेडर्स को, फॉर कैश ऑफ रुपीज 30,000 एंड ऑन क्रेडिट ऑफ रुपीज 20,000। वाह बताओ क्या करोगे? एक सेल का बनेगा क्योंकि सोल्ड कर रहे हैं तो सेल्स का अकाउंट बनेगा ही बनेगा। सेल क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। व्यापार के लिए क्या है? आय है, इसलिए क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। साफ साफ लिख दिया कि 50,000 का माल बेच रहे हैं, इसीलिए 50,000 से क्रेडिट कर देंगे। कैश कितना आ रहा है? कैश कितना आ रहा है? 30,000 कैश आ रहा है। रियल का रूल है, आए तो क्या करो? डेबिट करो। कितने से? 30,000 से कर देंगे। अब किसको बेच रहे हैं? आर के को, उधार भी बेच रहे हैं, इसीलिए क्या बनेगा? आर के ट्रेडर्स का अकाउंट बनेगा।
ठीक है। और आरके ट्रेडर्स क्या है? पर्सनल अकाउंट है। अब आरके ट्रेडर्स को बेचेंगे और उधार पा रहे हैं सामान, कुछ दे नहीं रहे हैं, इसलिए पाने वाले तो क्या बोलेंगे? डेबिट। कितने से? 20,000 से। तो कैश अकाउंट डेबिट 30,000, आरके ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट 20,000 टू सेल्स अकाउंट 50,000। समझ आ रहा है? बोलो यहाँ पे कहाँ कठिन लग रहा है आपको? सिंपल है, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए और तब उसको सॉल्व करिए, आप लोग जवाब दे जाओगे, सही होगा। जल्दीबाजी करोगे तो दिक्कत होगी। हमने टाइम भी नहीं रखा है कि पहला क्वेश्चन 1 मिनट में करके दिखा दो, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन 1 मिनट में करके दिखा दो, हम टाइम भी देते हैं पूरा। तो जल्दीबाजी किसकी बात की? आप क्वेश्चन पढ़िए, समझिए, सॉल्व करिए, कुछ टाइम के बाद दिखाइए, लेकिन दिखाइए। गलत है, सही है? ठीक है बाबू, बोलो। और 5 क्वेश्चन और लिख लीजिए। क्या हुआ जी?